हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है मेरे मायके का और यहाँ पर शादी है जिसमें मैं आई हुई हूँ। और यहाँ पर जो मेरी मामी हैं वो पैर को धो रही हैं। ये रस्म है जिसको मैंने बहुत मना कर लेकिन उन्होंने किया। यहाँ मैं लेकर आई हूँ इसमें मिठाई जो कि देहरी पूजन के लिए बहन को लेकर आनी होती है और इसी मिठाई से देहरी पूजी जाएगी और यही मिठाई सबको बांटी जाएगी। तो मैं यहाँ मतलब सब लोग यहाँ पर ढोलक बजाने लगे और मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर देहरी पूजन की तैयारी कर रही हूँ जिसमें मैंने इसमें अगर हम चाहें तो गेरू से भी छोटा सा चौक दोनों तरफ चौखट के बनाया जाता है। तो गेरू समय अवेलेबल नहीं थी तो मैंने हल्दी मंगा ली जल्दी से, उससे भी जल्दी हो जाएगा। तो हल्दी को घोल कर मैंने दोनों तरफ छोटा सा चौक बनाया, उस पर मैं बनाऊँगी स्वास्तिक और उसको पूजा जाएगा। तो इसमें आपको देहरी पूजन की विधि भी पता चल जाएगी कि कैसे देहरी पूजी जाती है हमारे यहाँ। और आप लोग भी बताना कि आपके यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ क्या ये रस्म होती है और अगर होती ही है तो क्या ऐसे ही होती है या कुछ डिफरेंट होती है। तो मेरा मकसद यही है कि सभी को पता चले कि कैसे होती है। कई बार क्या होता है, मुझे भी लास्ट टाइम दूसरे भाई की जब मेरे शादी थी तो उसमें आइडिया नहीं था, मुझे पूछ पूछ कर करना पड़ा। अब ये सेकेंड टाइम है मेरा तो अब मुझे आता है तो मैं कर रही हूँ, इस बार मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ा। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ क्या किया है, हल्दी और पानी को घोल कर थोड़ा छोटा सा चौक बना दिया है, उस पर मैं बनाऊँगी रोली से स्वास्तिक। स्वास्तिक क्योंकि शुभ होता है और चौखट की दोनों तरफ बनाने से घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है और ये देहरी पूजन के बाद ही शादी की सारी रस्में स्टार्ट हो जाती हैं। उसी दिन से डेली ढोलक बजनी स्टार्ट हो जाती है घर में और सारे मंगल कार्य जो भी होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो ये पहला दिन था शादी की रस्मों का। तो सबसे पहले मुझे बुलाया गया और यहाँ पर देहरी पूजन के लिए इनवाइट किया था। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, स्वास्तिक बना दिया है हल्दी से बनाने के बाद कुमकुम से मैंने स्वास्तिक बना दिया है और अब मैं इसी को पूजूंगी घी और गुड़ से, क्योंकि ये पुरानी प्रथा है घी और मिठाई से कहते हैं कि पूजा जाता है शादी में ज़्यादातर चीज़ों को। तो घी और गुड़ से क्या करेंगे हम, 5 या 7 बार जितने बार भी आप चाहें वो आप लगा कर, और जो मिठाई है लड्डू जो लेकर आते हैं, लड्डू क्योंकि खुशियों का प्रतीक होते हैं तो लड्डू से ही पूजा होती है। इसके अलावा और कोई मिठाई मोस्टली नहीं चलती इस चीज़ में, अब मुझे नहीं पता है वो रख सकते हैं कि नहीं, लेकिन मोस्टली लड्डू ही रखे जाते हैं। तो मैंने वहाँ पर घी गुड़ से पूज कर और कर दिया। अब यहाँ पर मेरी मामी प्रथम गेस्ट के रूप में हमारा स्वागत कर रही हैं, तिलक कर रही हैं। और यहाँ पर क्योंकि मैंने घर में एंट्री ले ली थी तब वो जब तक वो थाली लेकर आए मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ करेंगी, तो जब तक मैं आंगन में पहुँच गई थी उन्होंने वहीं पर तिलक कर दिया। और बेटा क्योंकि बाहर अभी था तो उसका तिलक गेट पर ही होगा। यहाँ मैं ढोलक में भी इस तरीके से स्वास्थ्य बना दे रही हूँ। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप पहली बार आए हैं, और ज़रूर बताएं कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसी लगी ताकि आगे भी इस तरीके की वीडियो हम लेकर आते रहें और शादी की दूसरी रस्मों की भी वीडियो आप लोगों को देखने को जल्द मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।